जय हिंद फ्रेंड्स, आज से हम क्लास हिंदी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि, मातृभाषा, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है, उपभाषा, बोली और भाषा में क्या अंतर है, व्याकरण, व्याकरण का क्या उपयोग है, वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हम समाप्त कर लेंगे। तो भाषा क्या होता है, भाषा क्या है, भाषा क्यों जरूरी है, क्या लगता है, अगर हम हिंदी नहीं जानते तो क्या हम आपसे बात कर पाते, या वीडियो में जो हम बोल रहे, क्या हम बोल पाते, नहीं बोल पाते ना हिंदी। तो भाषा क्या है, आप अपने मन का बात अगर सामने वालों को बोल रहे हैं, चलिए उनकी स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ, भाषा क्या है, अगर आप अपने मन का बात दूसरे को बोल रहे हैं और दूसरे के मन का बात को समझ पा रहे हैं, वही है भाषा। ठीक, दो तरह से भाषा होता है, एक आप लिखित रूप में या एक मौखिक रूप में बोल सकते हैं, या आप किसी को अपने मन का बात लिख के बोल सकते हैं या फिर बोल के बोल सकते हैं, मुंह से ओरली बोल सकते हैं। तो और दूसरा आता है, हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, मौखिक क्या है, आम बातचीत, और लिखित है पत्र, अगर किसी लेटर्स लिख रहे हैं, या तो अब तो व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप में क्या है, आप लिखते ही है ना। और उसके बाद हमारा आता है मातृभाषा, मातृभाषा क्या है, इससे पहले को वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे ना, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, वेल आंसर तो कोई आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हमारी राष्ट्रभाषा अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, कोई भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि आप अगर कश्मीर से नीचे आते हैं, कश्मीर से अगर हम नीचे तक आए, या पूरे नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, तो आपको बहुत सारा वेरिएशन आएगा लैंग्वेज में। इवन आप कुछ दूर, कुछ एरिया दूर जाते हो तो आपको भाषा का अंतर दिख जाएगा, बोली में अंतर आ जाता है। तो इतना लिंग्विस्टिक वेरिएशन है, इतना भाषा में अंतर है, तो किसी एक भाषा को हम कैसे राष्ट्रभाषा में बता सकते हैं। लाइक आप नॉर्थ इंडिया में जाइए, कश्मीर में, कश्मीर ठीक है, कश्मीर लोग हिंदी समझ जाएंगे। आप हिमाचल प्रदेश में आइए, वहाँ भी लोग समझ जाएंगे, उत्तराखंड ठीक है, यूपी ठीक है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल तक भी ठीक है, मैं खुद वेस्ट बंगाल तक भी ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं, उड़ीसा में आते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, तब आपको प्रॉब्लम आएगा, तब तो हिंदी नहीं बोलते लोग, हिंदी समझ भी नहीं पाते बहुत। इवन मैं भी गई हूँ साउथ में, बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो हिंदी नहीं समझ आता। तो आप इतना अलग अलग जगह पे, इतना हमारा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज का, तो किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा अभी फ़िलहाल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो टिल डेट, आज के डेट पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी तक हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, और इवन हमारा हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बहुत सारे बुक में मैं देखती हूँ कि हम लिखते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो टॉपिक था, मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या है, जब हम लोग छोटे होते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, जो मम्मी लोग बात करती है, जिस भाषा में वो लोगों से बात करते हैं, वो जो स्कूल वगैरह में, तो हम लोग फिर ABCD जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, इंग्लिश मीडियम में बच्चा अगर गया तो उसको ABCD फर्स्ट लैंग्वेज होता है, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज होता है, और जिस स्टेट का हो तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज अगर सिखाते हैं, वेस्ट बंगाल से हो तो बंगाली, या फिर महाराष्ट्र से हो तो मराठी सिखाते हैं, तो वो उनका थर्ड लैंग्वेज हो जाता है। पर एक भाषा होता है जो अपने घर पे सीखता है, स्कूल जाने से पहले सीखता है, वो क्या होता है, वही होता है मातृभाषा, जो घर परिवार में सीखता है बच्चा। इवन अगर बिहार से हो तो बच्चा बिहारी में बात करेगा, छोटा मोटा जो घर पे वो जितना सबसे ज़्यादा लोग से सुन रहा होता है, जो लोग उससे बोल रहे होते हैं, वही भाषा में वो बात करता है, वो होता है उसका मातृभाषा। ठीक है, जैसे हम याद रख सकते हैं कि जो भाषा में हम अपनी माँ से बात करते हैं, वो हमारा मातृभाषा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बोली। बोली क्या है, अब देखिए आप, जैसे आप अगर आप बिहार में ही हैं या बंगाल में भी, हर जगह पे कुछ दूरी के जगह के बाद आपको ना एक लैंग्वेज में एक वेरिएशन आएगा। बिहार में आप चंपारण के साइड अगर चले जाइए तो वहाँ पे बोले का करता नहीं, अब वहाँ पे आप मैथिली सीतामढ़ी के तरफ चले जाइए, थोड़ा आप उधर थोड़ा दूर पे जाइए तो वहाँ पे लोग बोलेंगे कति करी छी, और फिर आप मतलब अगर थोड़े थोड़े दूर पे जाएंगे पूरे बिहार में ही घूम रहे, पर आपको बिहार में बिहारी तो मिलेगा, पर उस बिहारी लैंग्वेज में ही डिफरेंस है, बहुत है, कति करी छी यहाँ, फिर कोई बोलेंगे रोवा का करता नहीं, और मुझे नहीं आता एक्चुअली,
और भी कुछ कुछ है लैंग्वेज जो आपको ना लगेगा, अरे ये तो बोलेंगे, अरे ये तो पटना का भाषा है, अरे ये तो मुजफ्फरपुर का भाषा है, अरे ये तो उधर रक्सौल का भाषा है ना। तो ये जो चेंज हो जा रहा है ना, वो क्या है, वही है बोली। ठीक है, तो बोली क्या एक एरिया में ही सीमित रहता है, वो एरिया से बाहर जाते हैं तो आपका एक अलग टोन आ जाता है, और वो है हमारा बोली। ठीक है, भाषा की क्षेत्रीय रूप से बोली कहते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर एक जगह पे ही बोल रहा है, छोटे से जगह पे बोला जा रहा है, तो वो है बोली। ठीक है, बोली का लिखित रूप नहीं होता। ठीक, हम जब पढ़ेंगे कि लिपि जब पढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगा कि लिखित रूप क्या है। ठीक है, पर इतना हम अभी जानते हैं कि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। थोड़ी थोड़ी दूर पे अंतर आ जाता है, जैसे हम बोले कि आप बिहार में ही चले जाइए तो आप नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ आते हैं तो आपको अलग अलग भाषा दिखेगा। आप घूमिए ना, आप आसपास घूमिए, आपको दिखेगा लैंग्वेज में वेरिएशन आएगा, अलग अलग सा एक टोन रहता है, अलग बोलते हैं। पर आप बोलोगे, आप क्या बोल रहे हो, बिहारी बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, बिहारी बोल रहे हैं, सारे लोग बिहारी ही बोल रहे हैं, पर उस बिहारी में ही अंतर है। ठीक है, चलिए। और हाँ, और ये होता है इसी बोली पे ही ना कुछ लोकगीत लोक कथाएं, जैसे कि एक, अरे जैसे आप जा रहे हो कि आप एक ही पर्टिकुलर एक जगह पे देखोगे तो कुछ, मान लो शादी हो रहा है तो वहाँ पे एक अलग अलग गाना गाते हैं। जैसे लोकगीत हम लोग कब गाते हैं, लेकिन हम लोग का कोई फेस्टिवल होता है, बच्चे का जन्म होता है, छठियार हुआ, बढ़ई हुआ, ये 6 दिन पे जो मनाते हैं, 12 दिन पे जो मनाते हैं, या शादी का गीत, हल्दी का गीत, मेहंदी का गीत, ये सब का अलग अलग जगह पे अलग अलग उन लोग अपने भाषा में गाते हैं। वो क्या है, वो लोकगीत है। और लोकगीत किस पे डिपेंड होता है, बोली पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उपभाषा। उपभाषा क्या है, अगर वो बोली जो है अगर थोड़ा ज़्यादा दूर तक फैला हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपभाषा। ठीक है, जिसमें कुछ साहित्य का भी रचना हो जाता है, जैसे मैथिली है और ब्रज है, अवधी भी है, जिसमें हमारा होली बुक है, महाभारत नहीं, रामायण भी लिखा हुआ है अवधी भाषा में। अब आता है नेक्स्ट, भाषा क्या है, सॉरी भाषा है। ये जो देखिए, ये जो बोली समझे हम, उपभाषा समझे, ये बोली उपभाषा और भाषा, अगर भाषा तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि भाषा आदान प्रदान का साधन है, मन के विचारों का आदान प्रदान का साधन है, तो भाषा क्या है, अगर बहुत बड़े जगह में, अगर बोली तो छोटे जगह के लिए था, उपभाषा थोड़े से बड़े, उससे थोड़ा सा बड़े जगह के लिए था, और भाषा उससे भी बड़ा जगह के लिए था, अगर बहुत बड़े जगह पे बोला जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाषा। ठीक है, और भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा का अपना व्याकरण होता है। ठीक है, पढ़ेंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण और मानक रूप होता है उसका, सब कोई मानते हैं उसको, मतलब प्रूवन होता है। सॉरी ये वाला छूट गया ना, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा क्या है हमारा, हम लोग क्या बोले, हमारा राष्ट्रीय भाषा है, नहीं हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो हमारा राज्य भाषा है। तो राजभाषा क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी मानते हैं कि कल को आप कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हैं, या किसी डीएम को लेटर लिख रहे हैं, या कलेक्टर को लिख रहे हैं, या कहीं बड़े ऑफिस में लिख रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आता, कोई बात नहीं, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश या हिंदी में आप लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा आपसे कोई नहीं बोलेगा कि नहीं आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसा भाषा जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड होता है उसको हम राजभाषा कहते हैं। ठीक, 14 सितंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा में ले लिया था। और बताइएगा 340 अभी तक हमारे संविधान में कितना लैंग्वेज है। ठीक है, कमेंट बोल दीजिएगा, कोई कमेंट तो करता नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस नेक्स्ट वीडियो में बोल दूँगी आंसर इसका। लिपि, ओफो लिपि, हाँ लिपि क्या है, देखिए जब हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या सिखाया जाता है, ABCD लिखना, ABCD बोलते हैं, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी। तो ये है क्या, हम जो पहले क्या था, पहले तो लोग लिख नहीं पाते थे ना, पहले पर मुँह से बोलते थे, आवाज़ तो निकलता था उनका, पर उस आवाज़ को लिखे कैसे। हम अगर बोल रहे हैं ए लालू इधर आ, अब हम इसको बोले, इसको लिखे कैसे, ए को कैसे लिखें, लालू को कैसे लिखें, तो ए बोलने के लिए हम स्वर बनाएं,
एक सिंबल बनाएंगे। ए को हम ऐसे लिखेंगे, फिर लालू तो ल को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। उसका एक सिंबल है, सिंबल पढ़े हैं ना, क ख ग घ में पढ़े हैं ना, और हमें स्वर व्यंजन में पढ़े हैं, बचपन में पढ़े हैं। तो ल को हम कैसे लिखेंगे, तो जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं ना, जो आवाज़ मुँह से निकल रहा है, अगर हम बोलते हैं चम्मच, तो च को लिखने के लिए भी हम एक सिंबल यूज़ करेंगे, वो स्पेसिफिक है। हम च को ट, ट को च नहीं लिख सकते, उसका एक स्पेसिफिक सिंबल होगा। वो जो सिंबल यूज़ करते हैं ना, मुँह से जो ध्वनि निकल रहा है, जिस आवाज़ को अगर हम लिख पा रहे हैं, उस आवाज़ को हम लिख पा रहे हैं, और लिखने के लिए जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, वो सिंबल है हमारा लिपि, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक ध्वनि जो मुँह से हम जो भी आवाज़ निकालें उच्चारित करते हैं, उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों सिंबल की आवश्यकता होती है। बिना हम अगर कुछ बोल रहे हैं, लाइक अभी जो मैं बोल रही हूँ इसको भी मैं लिख सकती हूँ ना, तो अभी के लिए अ यूज़ करूँगी, भ यूज़ करूँगी, फिर स्वर लगाऊँगी, स्वर की मात्रा लगाऊँगी, फिर वो अभी बनेगा। जो ज लिखूँगी, जिस तरह से लिखते हैं, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको अगर मैं लिख पा रही हूँ, और लिख कैसे रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ लिपि। लिपि मतलब सिंबल, जो सिंबल यूज़ कर रही हूँ उसको हम लोग बोलते हैं लिपि, ठीक है। चलिए कितना है लिपि हमारा, 52 है। मतलब अब इस 52 को ही बेस बना के हम बहुत सारा आवाज़ निकाल सकते हैं, क का की कु, अब कोई भी वर्ड बोलिए, आप मुंह से कोई भी आवाज़ निकालिए, उस आवाज़ को आप लिख सकते हैं। आप लिखिए, आप मुंह से निकालिए, ट्राई कीजिए, कोई भी आवाज़ निकालिए और उस आवाज़ को फिर कॉपी में लिखिए कि आप लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, किसके हेल्प से लिखेंगे, जो सिंबल यूज़ करेंगे ना, जो अगर आप मान लीजिए बोलते हैं कोई भी आवाज़, अगर मान लीजिए आपके मुँह से निकलता है माँ, सबसे प्यारा वर्ड माँ, माँ को भी हम लिख सकते हैं माँ, जैसे म, जैसे हम बचपन में सिखाया गया है स्लेट पे, माँ लिख सकते हैं। आ की मात्रा लगाएंगे, ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे, लिख सकते हैं ना। वो जो हम यूज़ किए ना सिंबल, माँ को, मुँह से जो आवाज़ हमारा निकला माँ, वो माँ को जो हम लिख रहे हैं कॉपी में, वो सिंबल ही लिपि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि क्या है, लिपि का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि लिपि के ही हेल्प से ना, बहुत दिनों तक ना, हम अपने भाषा को, हम जो भी हम, हमारा जो भाषा है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आज हम देखिए, हिस्ट्री हमारा जो इतिहास है, तीन पार्ट में बढ़ता है हमारा हिस्ट्री। थोड़ा सा स्विच कर रही हूँ, उधर बता रही हूँ, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, और प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, जो पाषाण काल का बात है, स्टोन एज का बात है। स्टोन एज में कोई लोग लिखते नहीं थे, उनका बस पत्थर वगैरह मिला है, किसी का इंस्ट्रूमेंट मिला है, टूल्स मिला है, वेपन्स वगैरह मिला है, कि कहीं कहीं पे भीम बेदका केव्स में पेंटिंग मिला है, तो हमको समझ, अच्छा लोग ना ऐसा करते थे, अच्छा लोग ना हंटिंग क्या करते थे, ऐसे जानवर को मारते थे, इस तरह से यूज़ करते थे, उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। आज हम लोग चला हिस्ट्री में चले जाएंगे, वापस यहीं तक स्टॉप करते हैं। तो उस टाइम पे तो लिखना नहीं आता था, उसके बाद आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लोग लिखना तो सीख गए थे, पर वो जो लिखना, जो लोग लिपि यूज़ किए हैं ना, वो लिपि को हम समझ नहीं पाए। वो हमारा एग्जांपल आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन काल का। वो उस टाइम पे जो लोग लिखे हैं वो आज भी हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। अगर समझ पाएंगे ना तो पता चल जाएगा शायद हम लोग को कि जो हड़प्पन सभ्यता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो अचानक से गायब कैसे हो गया, कहाँ चला गया, क्या ही रीज़न था डिक्लाइन होने का। बहुत सारा थ्योरी है बुक में अलग अलग लोगों का, कि आर्यंस आए होंगे, कोई बोलता है फॉरेस्ट फायर होगा, जल गया होगा, अब आग लग गया होगा, कोई बोलता फ्लड आया होगा, कोई बोलता है एलियंस आ गया होगा, बहुत सारा थ्योरी है। तो वो थ्योरी पे साइंटिफिक हम लोग को रीज़न मिल जाएगा अगर हम उसके स्क्रिप्ट को समझ जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। अब आते हैं, देखिए हाँ, तो ये जो हम लोग पढ़े लिपि, जो हमारे स्क्रिप्ट है, जो सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स हम लोग कहाँ से लिए हैं, है ना, पढ़े हैं ना हिंदी में, अ से लेके ग तक, वो सारे जो सिंबल्स यूज़ किए हैं, जो मुँह से आवाज़ ग लिखेंगे, तो ग को कैसे लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं ट, ट जो है, तो ट को हम कैसे लिखेंगे, जो मुँह से आवाज़ निकला हमारा ट, उस ट को, उस ध्वनि को, उस साउंड को हम कैसे लिखेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो वो ट हम लोग सीखें। तो पूरा जो हम अरेंजमेंट जो है ना, वो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट का जो जो नाम है, उस अरेंजमेंट का नाम है वो देवनागरी है, ठीक है।
जो हम हिंदी भाषा का जो अरेंजमेंट जिसमें है, हिंदी भाषा का जो लिपि सब अरेंज है वो हमारा है देवनागरी, और इंग्लिश का क्या है? रोमन। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली है, मैथिली है। ठीक है, ये जितने भी लैंग्वेज है ना, जितने भी ये सबको अगर हम लिखेंगे ना, इस भाषा में अगर लिखेंगे इसको, अगर इस नेपाली जैसे लिखते हैं तो नेपाली में अ अ ही लिखेंगे, चौ चौ ही, जैसे हम लोग चौ लिखते हैं ना, वो लोग भी वैसे ही चौ लिखते हैं। ठीक, बस उन लोग में थोड़ा छ वर्ड आ जाता है कि खाइची, बताया मेरे को नहीं पता एक्चुअली नेपाली, सॉरी उसके इसके लिए ये मत कीजिए, वो नहीं आता, पर शायद जहाँ तक सुनी हूँ मैं कि लास्ट में छ वर्ड जरूर आता है उन लोग में, तो पर उन लोग वैसे ही लिखते हैं जैसे अ हम लोग अ च क प यूज़ करेंगे ना, उन लोग भी वैसे ही लिखते हैं, ध्वनि को लिखते हैं, लिखने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो वही सिंबल यूज़ करते हैं जो देवनागरी में है। ठीक है, अब आता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण किस लिए ज़रूरी है, व्याकरण क्या है? अब हम देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंबल सीख लिए, सिंबल सीखते हैं, अ ए बी सी डी, जैसे ए है हिंदी में कैसे लिखते हैं, ए स्वर के साथ लिखते हैं ना, और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, पहला वाला अल्फाबेट वाला ए, अंजलि वाला पहला ए। ठीक, और तो वर्ड, तो हम पहले सिंबल सीखेंगे, उसके बाद वर्ड्स आता है। ठीक, वर्ड्स आता है, वर्ण पढ़ेंगे वो हम लोग आगे, कि एक सही अरेंजमेंट से ही बनता है एक शब्द, और शब्द जो अगर सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट मतलब बनाता है तो बनता है सेंटेंस। तो कोई भी व्याकरण हम लोग को क्या सिखाता है, भाषा का शुद्ध, अगर हम जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको जो भाषा नहीं आता, उनका ऐसे मेरा एक लड़का है, मतलब बंगाली लोग जो होते हैं, मतलब उन लोग के ना करूँगा में थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन लोग बच्चे जब होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो उन लोग है ना बोलते हैं कि ना मैं बहुत देर से खाना, लड़का है बोल रहा है, मैं बहुत देर से ना खाना खा रही थी, तो उनको भाषा में उनको हिंदी भाषा का ग्रामर नहीं पता, इसीलिए उनको क्या बोलना चाहिए, मैं बहुत देर से खाना खा रहा था, पर वो बोल रहे हैं मैं बहुत देर से खाना खा रही थी, तो कहाँ गलती हुआ, ग्रामर में गलती हुआ, क्योंकि उनको लिंग में कैसे लिखते हैं वो नहीं पता है, समझे। तो इसका नॉलेज हमको कौन देता है, ग्रामर देता है। ठीक है, रानी नाच रहा था, ऐसा थोड़ी होगा, रानी नाच रही थी। ठीक, शुद्ध प्रयोग सीखते हैं किसके हेल्प से, व्याकरण के हेल्प से। अब आता है व्याकरण का क्या क्या अंग है, जो हम पहले बोले, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, वर्ण सीखते हैं। वर्ण क्या है, मुंह से निकला हुआ आवाज, ध्वनि, सबसे छोटा ध्वनि, जैसा कि हम बोलते हैं च, या फिर चलिए क बोलते हैं, क, क को, चलिए तो क को बिना अ के साथ लगाए बोल के दिखाई, तो ट्राई कीजिए कि क बोलिए, पर लास्ट में अ नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए बोलिए, क आएगा ही, लास्ट में आएगा ही, है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा जो वर्ण